Hello students, in this tutorial I will teach you how to insert mathematical equation in overleaf. Basically there are two most insert mathematical equation in overleaf. First mode is inline mode and second is the display mode. इक्वेशंस होती है ना, वो हम विदिन अ टेक्स्ट यानी कि विदिन अ पैराग्राफ या विदिन अ लाइन हमने अगर इक्वेशन लिखनी है तो उसके लिए हम लोग इनलाइन मोड यूज़ करेंगे. सेकंड मेथड है हमारे पास डिस्प्ले मोड. अब डिस्प्ले मोड हम मेथड तब यूज़ करते हैं जब हमने अपने डॉक्यूमेंट में सेपरेटली इक्वेशंस को डिस्प्ले करवाना होता है, यानी कि विद इन अ पैराग्राफ या विद इन अ लाइन हमने डिस्प्ले नहीं करना, हमने सेपरेटली किसी भी पैराग्राफ के नीचे सेंटर में उसको अलग से न्यू लाइन में हमने उसको डिस्प्ले करवाना है. अब डिस्प्ले मोड के भी हमारे पास टू वर्जन्स होते हैं यहाँ पर. फर्स्ट जो वर्जन होता है डिस्प्ले मोड का वो होता है नंबर्ड, और सेकंड जो होता है वो होता है अननंबर्ड. तो फर्स्ट मेथड हमारे पास है इनलाइन मेथड का, इनलाइन मोड का. अब हमने इक्वेशंस को इनलाइन मोड के थ्रू किस तरह से डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करनी है. सिंपली यहाँ पे मैं एक लाइन लिखती हूँ टेक्स्ट की, उस लाइन के अंदर मैं आप लोगों को इनलाइन मोड यूज़ करते हुए जो है मैथमेटिकल इक्वेशन को ही ऐड करके दिखाती हूँ. ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिख लेती हूँ. This is the mathematical path document the formula of mass energy equivalence is stated as. अब इस पोर्शन के आगे हम मैथमेटिकल इक्वेशन ऐड करेंगे. ठीक है, अब मैथमेटिकल इक्वेशन इनलाइन मोड के थ्रू ऐड करने के जो है ना वो तीन तरीके होते हैं. पहला जो मेथड है वो है डॉलर के सिंबल से. ठीक है, स्टार्ट में हम डॉलर का सिंबल इंसर्ट करेंगे. ठीक है, अब उसने मुझे स्टार्ट का भी दे दिया और एंड का भी दे दिया. ठीक है, तो इसके सेंटर में हमने वो मैथमेटिकल इक्वेशन ऐड करनी है. तो सिंपली इसका फॉर्मूला ऐड कर देंगे, ई इक्वल टू एम सी एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का सिंबल डालेंगे यानी कि पावर टू. ठीक है, ये यहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशन हमारी ऐड हो गई है. और इसके आगे लिख देते हैं फिर हम अपना टैक्स इन 1905 बाय आइंस्टाइन. ओके, रिकम्पाइल. यहाँ पे ये देखें जी कि आपका जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो यहाँ पे विद इन द टेक्स्ट इंसर्ट हो गया है, विद इन द लाइन. दिस इज़ द इनलाइन मोड, हाउ टू इंसर्ट दिस इक्वेशन विद इनलाइन मोड. और ये फर्स्ट आपका मेथड था डॉलर सिंबल से, या डॉलर सिंबल से हमने किस तरह से मैथ के इक्वेशन को इंसर्ट करना है. ये फर्स्ट मेथड है हमारे पास. ठीक है, सेकंड मेथड आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं सेकंड मेथड से हमने किस तरह से इंसर्ट करना है. इनलाइन मोड का ही सेकंड मेथड. ठीक है, इसी को कॉपी कर लेंगे. अब यहाँ पे डॉलर सिंबल की इक्वेशन हटा के हम यही इक्वेशन जो है वो सेकंड तरीके से सेकंड मेथड से लिखेंगे. आपको इनलाइन मोड का ही सेकंड मेथड बताती हूँ कि इनलाइन मोड में ही हम सेकंड जो है वो कौन सा मेथड है. एक तो ये मेथड हो गया डॉलर सिंबल से इक्वेशंस ऐड करने वाला इनलाइन में. सेकंड जो मेथड है हमारे पास वो होता है बैक स्लैश से. ठीक है, बैक स्लैश एंड ब्रैकेट. ठीक है, और फिर इस ब्रैकेट के जब हम एंड करेंगे तो एंड में भी हमने ये बैक स्लैश लगाना है. ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशंस ऐड करने का इनलाइन मोड में सेकंड मेथड है. ठीक है,
अब हमने यहाँ पे इक्वेशन कैसे ऐड करनी है, ए बैक स्लैश ब्रैकेट, अब इसके दरमियान हमने यहाँ पे अपनी इक्वेशन इंसर्ट करनी है, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू एम सी पावर 3 कर देते हैं अब, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। अच्छा, सेकंड मेथड का आप देखेंगे, फर्स्ट मेथड में हमने स्टार्ट में डॉलर सिंबल लगाया और एंड में डॉलर सिंबल लगाया। सेकंड मेथड में हमने क्या करना है, बैक स्लैश ब्रैकेट उसके अंदर इक्वेशन लिखेंगे और फिर जब एंड कर रहे होंगे हम तो पहले बैक स्लैश आएगी और बाद में ब्रैकेट आएगा, ठीक है। रिकम्पाइल, तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास सेकंड मेथड से भी इक्वेशन इंसर्ट हो गई है। पहली वाली स्क्वेयर से थी, पावर 2 थी उसकी, और सेकंड जो मैंने बैक स्लैश ब्रैकेट वाली की है इक्वेशन से इंसर्ट, वो यहाँ पे आपकी डिस्प्ले हो गई है, ठीक है। थर्ड भी इसका मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि थर्ड मेथड कौन सा होता है इक्वेशन इंसर्ट करने का। इनलाइन मोड में ही इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे, अच्छा। अब ये तो हमने सिंपली हमने सिंबल्स यूज़ किए हैं, अब हमने जो है वो कमांड यूज़ करनी है मैथ की, ठीक है। मैथ की कमांड होती है हमारे पास इक्वेशंस इनलाइन मोड में इंसर्ट करने की। तो सिंपली यहाँ पे हम बिगिन और कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे मैथ, ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, और जब हमने एंड करनी है अपनी क्वेश्चन तो उससे भी पहले हम उससे एंड में बाद में हम क्या करेंगे, एंड बैक स्लैश एंड और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, मैथ, ओके। अब हमने इन बिगेन, इस बिगेन और एंड के सेंटर में यानी कि यहाँ पे हमने अपने इक्वेशन को लिखना है और फिर वो भी इसी इनलाइन मोड में ही डिस्प्ले होगी, ठीक है। तो इक्वेशन सिंपली हम लिख देंगे इज इक्वल टू एम सी एक्सपोनेंट 5, स्टार्ट में बिगिन विद मैथ, एंड विद बिगिन विद मैथ, ठीक है। इनके दरमियान हमने क्या लिखना है, अपने इक्वेशन को लिखना है। ये भी थर्ड मेथड है इनलाइन मोड में इक्वेशन इंसर्ट करने का। ये देखें यहाँ पे तीनों मेथड से मैंने आप लोगों को इनलाइन मोड में इक्वेशंस ऐड करने का तरीका बता दिया है, ठीक है। पहला डॉलर सिंबल से, सेकंड बैक स्लैश ब्रैकेट्स में, और फिर जो थर्ड में हम कमांड यूज़ करेंगे मैथ की, बिगिन विद मैथ एंड एंड विद मैथ, सेंटर में हम अपनी इक्वेशन लिखेंगे, ओके। वॉज थ्री मैथड्स ऑफ इंसर्टिंग इक्वेशंस यूजिंग इनलाइन मोड इन ओवरलीफ, इसलिए मैंने इसको नंबरिंग कर दी है ताकि ये डॉक्यूमेंट आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इस डॉक्यूमेंट को ओपन करके यहाँ से आप इक्वेशंस का कोड देख सकते हैं। इनलाइन मोड्स के भी तीनों मेथड्स के मैंने यहाँ पे कोड्स लिख के आप लोगों को दिखाए हैं। अब सेकेंड मोड मैं आप लोगों को बताती हूँ कि डिस्प्ले मोड में हमने इक्वेशंस को किस तरह से इंसर्ट करना है, ठीक है। तो इसका सेक्शन बना लेते हैं, डिस्प्ले मोड। अब डिस्प्ले मोड में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास दो वर्जन्स होते हैं डिस्प्ले मोड के। फर्स्ट जो है वो नंबर्ड होता है और सेकंड जो होता है वो अननंबर्ड होता है, ठीक है। तो ये दोनों मेथड से भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पे सिंपली हम लिख देते हैं दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मास एनर्जी इक्विवेलेंस बिलो। अननंबर्ड इक्वेशंस किस तरह से हमने इंसर्ट करनी है, यहाँ पे पहले हम इसका सब सेक्शन बना लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये अननंबर्ड है और ये नंबर्ड है। सब सेक्शन अननंबर्ड,
इसमें मैं आपको अननंबर्ड का तरीका बताऊंगी कि अननंबर्ड इक्वेशन किस तरह से इंसर्ट करनी है हमने, ठीक है। अच्छा, अब अननंबर्ड इक्वेशन हमने ऐड करने के लिए सिंपल जो हमने इनलाइन मोड में ब्रैकेट्स ये वाली सेकंड मेथड यूज़ किया था, इसमें हमने कर्ली ब्रेसेस यूज़ की थी, और जब हम डिस्प्ले मोड में अननंबर्ड का मेथड यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि सेपरेटली हम अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट में नहीं, हमने उसको प्रॉपर सेंटर में जो है वो डिस्प्ले करवाना है इक्वेशन को, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे बैक स्लैश स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। उसमें हमने कर्ली ब्रेसेस यूज़ किए थे इनलाइन मोड के सेकेंड टाइप में, इसमें हम कर्ली ब्रेसेस यूज़ करेंगे। स्टार्ट में ब्रैकेट बैक स्लैश लगाएंगे, फिर कर्ली ब्रेसेस, और एंड करते हुए पहले बैक स्लैश और फिर स्क्वायर ब्रैकेट। अब इन दोनों के सेंटर में हमने इक्वेशन को लिखना है और ये हमारे डिस्प्ले मोड में जो है वो इंसर्ट हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम वही इक्वेशन लिख देते हैं, एम सी पावर टू, रिकम्पाइल, ये देखें, इसको मैं फुल स्क्रीन में करके दिखा देती हूँ आपको। ये देखें, ये इनलाइन मोड का था और डिस्प्ले मोड में मैंने अननंबर्ड मेथड यूज़ करते हुए इसको सेपरेटली यहाँ पे डिस्प्ले करवाया है, ठीक है। और ये अननंबर्ड है, इसमें अभी कोई इन्होंने नंबरिंग इंसर्ट नहीं की है इक्वेशन वन या इक्वेशन टू से, ठीक है। तो ये सिंपली यहाँ पे डिस्प्ले मोड का फर्स्ट मेथड है। अब डिस्प्ले मोड के सेकंड मेथड जो नंबर्ड होता है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसमें हम सब सेक्शन बना लेते हैं अननंबर्ड का, और सॉरी नंबर्ड का, इसमें हमने जो है वो कमांड यूज़ करनी है इक्वेशन की। इसके अंदर हम लिखेंगे इक्वेशन की कमांड, ठीक है। इसको ही हम सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे तो इसने एंड इक्वेशन जो बाय डिफॉल्ट इंसर्ट कर दी है। अब इनके सेंटर में हमने इक्वेशन लिखनी है, जो भी इक्वेशन हमने ऐड करनी है, और उसको हमने नंबर्स में शो करना है, इक्वल टू एम सी एक्सपोनेंट 5, रिकम्पाइल, ये देखें, ये नंबर इक्वेशन यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है, क्योंकि ये अननंबर्ड है, यहाँ पे उसने कोई नंबरिंग नहीं की इक्वेशन के आगे, और ये नंबर्ड है, यहाँ पे उसने इक्वेशन के आगे नंबर कर दिया, ठीक है। तो इसके अलावा इसके नीचे हम यहाँ पे बाकी की इक्वेशंस भी ऐड कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी नंबरिंग भी चेंज होती जाएगी। ओके, सो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि मेथड्स कौन से होते हैं। दो मेथड्स होते हैं इंसर्ट करने के मैथमेटिकल इक्वेशंस ओवरलीफ में। फर्स्ट जो है वो इनलाइन मोड होता है, और सेकंड जो होता है वो डिस्प्ले मोड होता है। इनके भी फर्दर मैंने आप लोगों को मेथड्स बता दिए हैं कि इनलाइन मोड्स में हम तीन मेथड्स के थ्रू जो है वो इक्वेशंस ऐड कर सकते हैं, और डिस्प्ले मोड में भी हम दो मेथड्स यूज़ करते हुए इक्वेशंस ऐड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि फार्मूलाज किस तरह से हमने लिखना है ओवरलीफ में, जैसे लिमिट्स के फार्मूलाज होते हैं, एस्टिमेशंस के फार्मूलाज होते हैं, फ्रैक्शंस होती हैं डिफरेंट, तो ये सारे फार्मूलाज मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि वो किस तरह से इंसर्ट करना है। और अगर इस डॉक्यूमेंट का आपको कोड चाहिए तो ये डॉक्यूमेंट मैं शेयर कर दूंगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डॉक्यूमेंट का लिंक मिल जाएगा। इस लिंक को ओपन करके आप इसकी जो कोड है लेटेक्स की इस डॉक्यूमेंट का, वो वहाँ से यूज़ कर सकते हैं।